आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मुंबई में कोरोना के मामलों में बड़ी बढ़ोतरी, 3671 नए केस हुए दर्ज। उन्नाव में सपा सुप्रीमो पर बरसे अमित शाह, बोले इत्र कारोबारी के यहां 250 करोड़ मिलने से अखिलेश परेशान क्यों। कोरोना के बढ़ते केस के बीच मुंबई में खालिस्तानी आतंकी कर सकते हैं हमला, सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी हुई रद्द। केरल में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2423 नए मामले आए सामने। इकतीस दिसंबर को अयोध्या के दौरे पर जाएंगे अमित शाह, हनुमानगढ़ी और रामलला के करेंगे दर्शन। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। साल के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह रामनगरी अयोध्या दौरे पर रहने वाले हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर रामलला व हनुमानगढ़ी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सांसद अजय बता दें कि इस पूरे मामले में सांसद लल्लू सिंह ने बताया है कि सबसे पहले वे रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करने वाले हैं। इसके बाद वे मड़ी रामदास छावनी जाकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात करेंगे। अयोध्या शहर के जीआईसी मैदान में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसके बाद वे वहां से निकलकर संत कबीरनगर जाएंगे, जहां पर वे एक और जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह मार्गदर्शन भी करेंगे। 31 दिसंबर को ही अयोध्या में चुनावी जनसभा संबोधित करने के बाद वे संत कबीरनगर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इकतीस तारीख को इस देश के गृह मंत्री और हम लोग नेता माननीय अमित शाह जी अलीगढ़ के हरदुआगंज क्षेत्र में स्थित ताला नगरी में एक देश के गृह मंत्री अमित शाह और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने यहां जमकर समाजवादी पार्टी पर तंज कसे। अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा तीन चीजों को अपनाया है, परिवारवाद, पक्षपात और पलायन। के सहारे समाजवादी पार्टी सरकार ने हमेशा चंद लोगों का ही सहयोग किया है, लेकिन मौजूदा सरकार में भाजपा की तरफ से सबका साथ और सबका विकास किया गया। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि भाजपा एक बार फिर से 300 से ज्यादा सीटें लाने वाली है। वहीं दूसरी ओर अमित शाह के संबोधन के दौरान भाजपाइयों ने ही न्याय दो के नारे भी लगाए हैं। आपको बता दें कि आज अलीगढ़ दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह जो थे वो पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि अमित शाह के पहुंचने पर एक तरह के से आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से हुजूम देखने को मिला, जहां पर सभी लोग गृह मंत्री को सुनने के लिए पहुंचे हुए थे। वहीं अमित शाह ने कहीं ना कहीं अपने पूरे संबोधन में विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथों लिया है, खास करके समाजवादी पार्टी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा, जहां पर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर कई प्रकार के आरोप लगाए हैं, जहां पर उन्होंने सपा पर आरोप लगाया है कि वह पलायन और परिवारवाद वाली पार्टी है।
वहीं लखनऊ के पत्रकारपुरम में आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राज्यसभा सांसद संजय सिंह की ओर से की गई थी। इस दौरान संजय सिंह ने बताया कि आम आदमी पार्टी की तरफ से 2 जनवरी को लखनऊ में एक महारैली का आयोजन स्मृति उपवन में किया जाएगा और कल ही हमने प्रशासन की तरफ से इसकी अनुमति भी ले ली है, जिसमें प्रदेश भर के कार्यकर्ता मौजूद होने वाले हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो आज लखनऊ में आम आदमी पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जहां पर आगामी दिनों में होने वाली विशाल जनसभा के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। आपको बता दें कि 2 जनवरी को आम आदमी पार्टी की तरफ से रैली जो है वो आयोजित होनी है, इसी को लेकर आज संजय सिंह ने इस पर पूरी जानकारी दी थी। आपको बता दें कि ये जो पूरी रैली है ये स्मृति उपवन में आयोजित की जाएगी। 2 जनवरी को स्मृति उपवन में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसकी फिलहाल प्रशासन की तरफ से जो अनुमति है वो भी ले ली गई है। आपको बता दें कि इस रैली में प्रदेश भर के कार्यकर्ता शामिल होने वाले हैं, साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत चुनाव प्रभारी भी इस कह सकते हैं रैली में शामिल होने वाले हैं। वहीं रायबरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक जनसभा है, जिसकी तैयारियां प्रशासन और भाजपा के कार्यकर्ता कर रहे हैं। सदर में जनसभा होने की वजह से एमएलए अदिति सिंह भी तैयारियों में जुटी हुई है। एमएलए अदिति सिंह ने बताया कि पूरी सदर विधानसभा में सूचना दी गई है, इसलिए लोकप्रिय मुख्यमंत्री होने के चलते उन्हें सुनने के लिए काफी संख्या में लोग आएंगे। की प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही उपलक्ष्य है कि जैसे आप सब अवगत हैं, कल हमारे अपने शहर रायबरेली में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी पधारेंगे, उनका यहाँ कार्यक्रम लगा हुआ है। साथ ही साथ जो हमारी यात्रा चल रही है वो उसका भी जन विश्वास यात्रा, उसका भी विलय होगा। जो सभा है जो ITI स्पोर्ट्स ग्राउंड शिवाजी नगर में है और तकरीबन 12 बजे से शुरुआत हो जाएगी कार्यक्रम की, तो अपने मीडिया बंधुओं के माध्यम से, अपने मीडिया के मित्रों के माध्यम से अपनी जनता तक हम बस ये संदेशा पहुंचाना चाहते हैं कि कल के इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के आएँ, सब लोग अपनी भागीदारी दें और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के जो ख्याल हैं, जो उनके वो हैं आइडियाज़ हैं और जो उनके विचार हैं। वहीं चंदौली में इस बार ऑफलाइन ऑनलाइन के चक्कर में किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परेशान किसान ट्रैक्टर पर धान लेकर क्रय केंद्र के बार बार चक्कर लगाने को मजबूर है। वहीं परेशान किसानों ने धान खरीद ना होने की वजह से चकिया जलिया रोड को जाम कर दिया। किसानों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को बुलाने की मांग की। जाम की सूचना मिलते ही SHO राजेश यादव मौके पर पहुंचे, जहां आक्रोशित किसानों ने SHO से फोन लाइन पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से बात की। इसके बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा से बात करने के बाद किसानों ने किसी प्रकार से जाम खत्म किया। 4 बजे भोर से हम यहां पे आए हैं और हम गाड़ी पर, भाड़े की गाड़ी है, उस पर धान लदा है, अभी तक हमारी धान को खरीदा नहीं गया है। आज का टोकन है और जो है 4 बजे भोर से हम लोग आए हैं और यहाँ का प्रभारी बोल हैं, कह रहे हैं कि नहीं आज हड़ताल पे हैं हम लोग, तो आज का टोकन एक दिन 2 दिन का पहले का टोकन भी निरस्त हो गया है। हम लोग भाड़ा पे गाड़ी लेकर आए हैं और कोलदारी भी दिए हैं 6,000 रुपया। वही फतेहपुर के जहानाबाद कस्बा स्थित सुशीला देवी आदर्श बालिका इंटर कॉलेज से रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में छात्र छात्राओं द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया गया। रैली कॉलेज से निकलकर मुख्य मार्गों से होते हुए थाना परिसर पहुंची, जहां थाना परिसर में छात्राओं के द्वारा सुंदर रंगोली बनाई गई। इसके साथ थाना परिसर में ही COVID-19 के तहत उचित दूरी बनाए रखने के बारे में भी लोगों को जानकारी दी गई। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक और बड़े नामी मेट्रो अस्पताल पर इलाज में लापरवाही बरतने से मरीज के मौत होने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। परिजनों के मुताबिक मामूली हॉर्निया के ऑपरेशन के चलते 28 वर्षीय युवक भर्ती हुआ था, लेकिन गलत नस कट जाने की वजह से युवक की मौत हो गई। फिलहाल परिजनों ने पुलिस से पूरे मामले की शिकायत की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई की बात कही है। मृतक के पिता के मुताबिक ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर ने उसके सामने ही गलत नस को काटे जाने से यह हादसा हुआ है, ऐसा उन्होंने कहा था।
इसे ठीक कर दूंगा, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो पाए और जिससे उनके बेटे की मौत हो गई। मृतक के पिता के मुताबिक अस्पताल में तैनात बाउंसरों ने भी उसके साथ मारपीट की और मृतक युवा को देखने भी नहीं दिया। ये मामला हमारी विष्णु कॉलोनी गली नंबर 5 का है। हमारा भाई 28 साल उम्र है, कृष्णकांत, सन ऑफ बलराम जी, जो एक गरीब परिवार है, रेहड़ी कचौड़ी बेचकर अपना परिवार इसके लिए यहाँ तक पहुँचा है। परसों उसके कोई हरानिया की प्रॉब्लम थी, उसके लिए मेट्रो हॉस्पिटल में गया, हाँ उन्होंने इलाज करवाया। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने इतनी बड़ी लापरवाही की है, एक हरानिया का एक छोटा सा ऑपरेशन होना चाहिए था यहाँ, वह पूरा फाड़ रखा है और उसकी कोई नस वस काट दिए, कल वे मृत्यु घोषित कर दिया। वे परिवार परसों से ही हाँ चिल्ला रहा, पुकार रहा, आवाज़ लगा रहा, लेकिन नहीं इन्होंने कोई मिलन दिया, नहीं जाने दिया। आईसीयू में इसे लिटा कर रखा है और बड़े बड़े बाउंसर लगा रखे हैं। एक गरीब आदमी है, बनिया जाति से बिलोंग करते हैं, शरीफ आदमी है, कमज़ोर आदमी है। इस तरह से एक हमारा भाई भी हमारे बीच से चला गया। परसों एडमिट हुआ था कृष्ण नाम है, विष्णु कॉलोनी से, हर्निया के इलाज के लेकर, और कल हमें सूचना मिली कि वह एक्सपायर हो गए। उनके परिजन वाले हॉस्पिटल में कहा कि वो कर रहे हैं, तो हम पहुँचे तो वहाँ से फिर इनको कहा कि वो अपनी दरखास्त दो और हम बोर्ड के द्वारा इनका पोस्टमार्टम कराएंगे, बाकायदा वीडियोग्राफी कराएंगे, जो भी PMR रिपोर्ट में आएगा, एक एजेंसी आएगी उसी हिसाब से। क्या कुछ आरोप है डॉक्टरों के खिलाफ परिजनों का? ये कह रहे हैं कि जो डॉक्टरों ने वही मिर्जापुर के लालगंज थाना अध्यक्ष हेमंत सिंह पटेल की तरफ से रामपुर अत्री के दो ब्राह्मण युवकों को दो दिन से बर्बर व अमानवीय तरीके से थर्ड डिग्री टॉर्चर दिया गया। पुलिसिया थर्ड डिग्री के विरोध में ब्राह्मण समाज के लोग लामबंद हुए। जिला मुख्यालय पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने पुरजोर विरोध किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि दोषी थाना अध्यक्ष को तत्काल निलंबित किया जाए और मामले की उच्च स्तरीय जाँच की जाए। जहाँ पर एक भू माफिया ने सरकारी विद्यालय की जमीन पर कब्जा किया था, योगेश तिवारी और मंगला पति तिवारी के परिवार ने उसकी शिकायत की थी। SDM मड़िहान ने जांच करके प्रकरण को सत्य पाया कि जो वहाँ पे भू माफिया लोग हैं उन्होंने कब्जा किया था। उसी का खार लेने के लिए, उसी का बदला लेने के लिए योगेश तिवारी को 25 तारीख को उन भू माफियाओं ने बहुत ही बेतहाशा प्राणघातक हमला किया, लेकिन शासन सत्ता के दबाव में उसके मुकदमे को कादी से नहीं लिखा गया। 26 तारीख को पुलिस ने और शासन के संरक्षण में भू माफियाओं ने उस व्यक्ति को बेतहाशा जो है उस साजिश करके फंसाया और फिर यशो लालगंज ने वे जो है बर्बर यातनाएं देकर 48 घंटे तक नियम विरुद्ध ढंग से रखकर उस पे मल के रास्ते में डंडा डाल के उसको मारने का जो कार्य किया है, उस पर हम लोग सारे समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग हम लोग। मिर्जापुर में पुलिस की तालिबानी पिटाई का मामला सामने आया है, जहां पुलिस की तालिबानी पिटाई के बारे में जब न्यायालय परिसर में पीड़ित ने बताया तो लोग सिहर उठे। दरअसल लालगंज पुलिस ने मारपीट के आरोप में पटेहरा ब्लॉक के राजपुर अत्री गांव निवासी योगेश तिवारी को हिरासत में लिया था। पीड़ित का आरोप है कि उसे 48 घंटे हवालात में रखा गया। उस दौरान मंत्री का जब फोन आया तो उसे बेरहम बनी पुलिस ने गुप्तांग में डंडा डालकर उसे पीटा। वहीं पर इस पूरे मामले में पूर्व विधायक ललितेश पति ने मंत्री पर जातिवाद का आरोप लगाया। मंत्री ने कहा कि इस मामले में मेरा कोई भी वास्ता नहीं है। वही लालगंज के पीड़ित युवक का वायरल वीडियो होने के बाद SP नगर संजय कुमार वर्मा ने बताया कि लालगंज थाना क्षेत्र में दो पक्षों में चक्रोध को लेकर 26 दिसंबर को मारपीट हुई थी। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा कायम किया गया है। पुलिस ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। की मामला ये है कि हमारे गांव में कुछ भूमाफियाओं ने हमारे चाचा जी को मारा था। किस लिए? जमीन को लेके उन लोगों का कब्जा है, तो वो लोग हम लोग जमीन उन लोग की जांच करवाए हैं। उसी मामले में उन लोगों ने कई दिनों से घात लगा के बैठे थे और उन लोगों ने 112 नंबर के सामने चाचा जी को मारा है। फिर उसका हम लोग FIR दी, FIR हम लोग का दर्ज करने में आनाकानी किया जा रहा था। फिर अगले दिन हम लोग जब फिर FIR देने जा रहे थे तो वहाँ पे थाने के बगल में ही वो भूमाफिया खड़े थे, सब गाली गलौज हाथापाई किए, जिसमें फिर मारपीट हुई और उसी में हमारे चाचा जी को थाने इंचार्ज ने बंद किया है और पिछले 48 घंटे से अधिक समय हो गए ना अभी तक कोई चालान किया और मारे जा रहे हैं। लगातार उन पर दबाव भी बना रहा है रमाशंकर पटेल जी का, आशीष पटेल और राहुल कोल
लगातार ये लोग दबाव बना के चाचा जी को 307 में उनका फर्जी मुकदमा उनके ऊपर कराया जा। मिर्जापुर में साइबर सेल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सोनभद्र के खाते में सेंध लगाकर 77 लाख निकाले जाने के मामले में साइबर सेल ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। बिहार भागलपुर के थाना पीरपंथी के बाखरपुर निवासी राज मिश्रा कस्टमर सर्विस पॉइंट सेंटर का संचालक था, जो फर्जी डिजिटल सिग्नेचर से 20 खाते उन्होंने खोल रखे थे। वहीं आपको बता दें कि उसके कब्जे से 27 लाख रुपया बरामद किया गया है। ये NHM का जनपद सोनभद्र के द्वारा एक मुकदमा लिखाया गया था, जिसमें 77 लाख रुपए के ऑनलाइन फर्जी तरीके से ट्रांसफ़र किए गए, जिसमें आज एक गिरफ्तारी की गई है जो जनपद भागलपुर और बिहार के रहने वाला। मैनपुरी में सीमा सुरक्षा बल में तैनाती के दौरान सैनिक ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। पूरे मामले को लेकर बता दें कि सीमा सुरक्षा बल में तैनाती के दौरान देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान देने के भोगांव थाना क्षेत्र के ग्राम मोजेपुर निवासी आरक्षक सुभाष चंद्र के परिजनों को सीमा सुरक्षा बल दिल्ली के महानिदेशक की ओर से ऑपरेशन कैजुअलिटी प्रमाण पत्र दिया गया। बता दें कि जिले के तहसील भोगांव के गांव मौजपुर निवासी सुभाष चंद्र पुत्र गोरेलाल एक मार्च 1989 को सुरक्षा बल में शामिल हुए थे और 26 दिसंबर 2003 को 161 बटालियन सीमा सुरक्षा बल में तैनाती के दौरान देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। अब सीमा सुरक्षा बल की टीम ने सैनिक की पत्नी विमलेश देवी, पुत्री अनुपम कुमारी व पुत्र को कैजुअलिटी प्रमाण पत्र दिया। साथ ही 4,400 वर्ग फुट के निर्माण के लिए श्री सीमेंट की तरफ से 720 सीमेंट की बोरियां भी दी गई। 99 में BSF में भर्ती हुए और 161 बटालियन में ड्यूटी करते हुए तस्करों के साथ मुठभेड़ में इनकी शहादत हो गई। ये 26 दिसंबर 2003 की बात है। तो हम BSF हमारे जो भी जवान किसी ऑपरेशन में अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं, उनको BSF की तरफ से एक कैजुअलिटी सर्टिफिकेट। वही मैनपुरी के कस्बा कुरावली में व्यापारी साथियों ने एटा में हुए संदीप गुप्ता की हत्या को लेकर कस्बा कुरावली में कैंडल मार्च निकाली। इस दौरान व्यापारियों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। व्यापारी भाइयों ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने और परिवार सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है। इस अवसर पर धर्मेंद्र गुप्ता और सचिन महाजन जैसे कई व्यापारी भी वहां मौजूद रहे। वहीं देवरिया में एक पीपल का पेड़ काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो तेजी के साथ वायरल होते ही विभाग के अधिकारी को इस पूरे मामले का संज्ञान हुआ और कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। पीपल का यह पेड़ स्थानीय लोगों और सनातन धर्म मानने वाले लोगों के लिए आस्था का केंद्र माना जाता है। सूचना मिलते ही अधिकारी हरकत में आ गए और पेड़ काटने वालों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। जानकारी के लिए बता दें कि पेड़ काटने की खबर पर स्थानीय लोगों ने उच्च अधिकारियों से फोन पर पूरे मामले की सूचना दी थी, जिसमें बात के दौरान वन विभाग अधिकारी का एक ऑडियो भी वायरल हुआ था। यह ऑडियो में वन विभाग अधिकारी इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए थे। वहीं अब वीडियो तेजी के साथ वायरल होते ही अधिकारी हरकत में आए हैं। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा गया है इस पूरे मामले पर। पेड़ गिर गया, कट रहा था, पेड़ गिर गया, अब अरे भेजा मैंने इसका आपको पहुंच रहा हूं। ना समाज हित के उद्देश्य से आदमी कार्य कर रहा है, जाम जोखिम में डालकर, और आप लोग हैं कुमकर्णी निद्रा में सो रहे हैं। अरे हट हो गई यार, आज इतवार है, स्टाफ को बोला पहुंच रहा होगा। एक घंटा से मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ, एक घंटा से फोन हो गया हुए। क्या हो गया भैया, एक घंटे से आप मैसेज कर, इतवार का दिन है आज, इतवार के दिन कहाँ है कहाँ नहीं भेज रहा हूँ। इतवार का दिन है तो पेड़ कट जाए, क्या करेंगे हम, पकड़ के बैठे उसको। अच्छा आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वेतन आप उसका नहीं लेते वन विभाग का। अरे फालतू बात मैं करो हमसे। अच्छा
आपसे फालतू बात ना करें। जैसे दूरभाष से सूचना प्राप्त हुई, मैंने तत्काल से संबंधित वनक्षेत्र अधिकारी को अवगत कराया और उसमें जो है वृक्ष संरक्षण अधिनियम की धारा 410 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। वही अगली खबर चंदौली के एसपी कार्यालय से है, जहां पर धीरा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सबल जलालपुर के ग्राम प्रधान दिनेश कुमार यादव ने धीरा थाना प्रभारी अजीत कुमार सिंह के ऊपर अभद्रता का आरोप लगाकर एसपी ऑफिस में प्रार्थना पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। ग्राम प्रधान दिनेश कुमार यादव ने बताया कि 29 दिसंबर को ग्राम पंचायत में रहने वाले पति पत्नी के विवाद को समझौता कराने के लिए थाना धीना जाया गया था और वहां पर हंगामा और ज्यादा बढ़ गया। थाना प्रभारी ने कहा कि फर्जी मुकदमे में फंसाए जाने की धमकी दी गई। मामले को लेकर ग्राम प्रधान दिनेश कुमार यादव ने एसपी ऑफिस जाकर न्याय की गुहार लगाई। कल हमारे गाँव में यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन हमारे साथ धीना थाना अध्यक्ष अजीत कुमार ने ऐसा कृत्य किया जो कि 30 वर्ष की उम्र में कभी किसी ने नहीं किया होगा। 30 साल की उम्र है हमारी, 3 पीढ़ी पर कोई मुकदमा और कोई जुर्म हम लोगों ने नहीं किया है। हमारे गांव के 2 लोग आपस में लड़ चुके थे, पति और पत्नी का विवाद था, इसे सुलझा करके सुलह कराने के लिए मैं धीना थाने पे गया था और हम बोले साहब जब दोनों लोग राजी हैं तो उनको छोड़ दीजिए, आइंदा अगर पति गलती करेगा तो कार्रवाई होगी। पत्नी बोली कि हम दोनों साथ रहेंगे। तो साहब बोले कि शाम को आइएगा। फिर हम 4 बजे शाम को वहाँ जब पहुँचते हैं, तेसो साहब बोलते हैं कि ठीक है हम चलान करेंगे। हम बोले साहब क्या जुर्म किए हैं, क्या चलान करेंगे, दोनों राजी है तो छोड़ दीजिए। तो बोले प्रधान जी यहाँ से आप निकल जाइए और थाने की दलाली बंद करिए। वजह यही रही कि हम थाना अध्यक्ष महोदय से यही कहे कि महोदय जी आप इन लोगों को छोड़ दीजिए। तो बोले कि नहीं मैं चलान करूँगा। मैं बोला कि साहब दोनों राजी हैं तो आप क्यों चलान कर रहे हैं, आखिरकार फिर दोनों को छोड़े हो। लेकिन हमारे हमको दलाल शब्द से प्रयोग किया गया, हम दलाल छोड़ो नहीं है। यहाँ के अधिकारी ने यही आश्वासन दिया कि एसपी साहब लखनऊ में हैं, वो आएंगे तो आपसे मिलवाया जाएगा। वहीं बुलंदशहर में जमीन खरीद फरोख्त के कमीशन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ और विवाद में जमकर मारपीट हुई। मामले में एक पक्ष ने कमीशन ना देने पर जमीन खरीदने वाले पक्ष पर जान से मारने की नियत से पिस्तौल तान दी। झगड़े की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी की पिस्तौल को बरामद कर लिया। पीड़ित ने बताया कि 10 साल पहले उसने इस जमीन का सौदा किया था, जिसको कमीशन को लेकर आरोपी पक्ष ने उस पर कमीशन ना देने का आरोप लगाते हुए जान से मारने की नियत से उस पर बंदूक तान दी। वहीं आसपास मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर पिस्तौल छीन कर पुलिस को सौंप दी। पूरे मामले में नगर कोतवाली पुलिस दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर कोतवाली ले गई। कुछ नहीं, मैं यहाँ अभी 10-15 मिनट पहले ही आया था। आने के बाद मैं 5 मिनट वहाँ बैठा। ये बोले जी कल हमने काफ़ी फ़ोन मिलाया, तुमने फ़ोन नहीं उठाया मेरे बागेश्वर में। फ़ोन इसके आए थे, मैं कहीं व्यस्त था, फ़ोन नहीं उठाए। तो अब ये मुझे तो जानकारी भी नहीं थी, मैं यहाँ बैठा हुआ था। तो यहाँ बैठे हुए ये लोग थे, मुझे तहसील जाना था। तो मैं गाड़ी में आके नीरज त्यागी को साथ लेके तहसील जाना था। तो तुरंत मेरी गाड़ी पे शीशे पे आके बोले 2 मिनट बात करनी। बोले पैसे जो है हमें पैसे चाहिए। किस बात के पैसे चाहिए, मैं नहीं, मेरे पास तुम्हारा कोई हिसाब नहीं। बस इतने कहते इन्होंने पिस्टल जो है निकाली और बोले जान से मार दूंगा। फिर नीरज त्यागी ने उसकी पिस्टल पकड़ी। पकड़ने के बाद नीरज त्यागी और वो जो है आपस में, मतलब पिस्टल नीरज त्यागी उससे पिस्टल छीनने लगे। तो वो जो है दोनों आपस में गिर गए और मैंने कहा इसकी पिस्टल छीन लो, क्योंकि इसने मुझ पर पिस्टल डाली तो वो चला भी सकता था। तो इतनी वारदात हुई। राजनगरी आगरा के जिला अस्पताल में आजकल एक मासूम जो 9 वर्ष की है, उस बेटी का नाम हर किसी की जुबान पर है। जिस उम्र में बच्चे अपने हाथों से ठीक से खाना नहीं खा पाते हैं, उस उम्र में मासूम अपनी मां का जीवन बचाने के लिए जी जान से जुटी हुई है। घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है, पर मासूम अपने छोटे भाई को पालने के साथ अपनी और अपने भाई की पढ़ाई का भी ख्याल रख रही है। बच्ची की पूरा अस्पताल इस वक्त मदद करने में जुटा हुआ है। मदद को लेकर सीएमएस अशोक अग्रवाल ने बताया कि महिला काफी बीमार है, हमने खुद व्यवस्था करके उसको खून चढ़वाया है, आयरन की बोतल चढ़वाई जा रही है और बाकी का इलाज भी पूरी तरह से किया जा रहा है। अच्छा ये बताओ, मम्मी का इलाज करवा गई हूँ, पैसे हैं तुम्हारे पास? और खाना वाना घर पे खाना वाना है? क्या उम्र है तुम्हारी, किस क्लास में पढ़ती हो? साल। अच्छा, और तुम्हारा छोटा भाई?
उसका क्या नाम? सर सब पीछे हट गए हैं मेरी बीमारी से। अच्छा जी, तो अब डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने पहले मैंने इलाज करवाया था इमरजेंसी में, वहाँ पे मेरी रीढ़ की हड्डी चुकी हुई है और दिमागी नसों का गुच्छा बताया था, दोनों का ऑपरेशन बता दिया है। देखिए, हमने अभी स्टेटस पर देखा, हमारे नामित जी थे, उन्होंने अपने स्टेटस पर लगाया, हमने सोचा तुरंत ही, हमें मालूम पड़ा कि अरे किसी असहाय लोग को ये जरूरत है ब्लड की, तो हमने तुरंत सोचा एक कदम अपने किसी भाई के लिए ब्लड काम आए, और हम सबसे अनुरोध करेंगे कि किसी भी असहाय लोग को जब जरूरत पड़े ब्लड की। ताजनगरी आगरा में बुजुर्ग दंपति को बेटे और भाई ने घर से बाहर निकालने का एक मामला सामने आया है, जहां घर से निकाले जाने के बाद बुजुर्ग दंपति सड़क पर ही कार्रवाई के लिए धरने पर बैठ गए। बुजुर्ग दंपति का कहना है कि उनके छोटे भाई आर्मी से रिटायर्ड हैं और उन्होंने अपनी दबंगई के चलते सभी भाइयों की जमीन पर कब्जा कर रखा है। इतना ही नहीं, रिटायर्ड कर्नल ने गांव की सरकारी भूमि पर भी अपना कब्जा कर लिया है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई इस पूरे मामले पर नहीं की गई। वहीं आज उनके बेटे और भाई रिटायर्ड कर्नल ने उनको दरकिनार करते हुए कहीं ना घर से बाहर निकाल दिया है। वहीं दंपति ने जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तब तक के लिए धरने पर बैठे रहने की बात कही है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि कड़ाके की सर्दी में सुबह से धरने पर बैठे बुजुर्ग दंपति के पास अभी तक कोई भी पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा। आनंद यादव, आज क्या मामला हुआ है? चाचा वगैरह, चाचा चाची हैं इनको, सुबह इनके जो बेटे हैं बड़े राजीव, उन्होंने काली गलौज देखे और घर से बाहर निकल दिया सुबह से। क्या कारण है, क्यों निकल दिया? वो असल में क्या है, वो अश्विनी जो चाचा है कर्नल, उसके दबाव में रहता है, मतलब उनके साथ रहता है, तो उनके कहने पे इनको बाहर निकल दिया है। जी, मेरा बड़ा भाई काफ़ी परेशान करता है और इस वजह से पहले मेरे को भी काफ़ी परेशान किया हुआ उसने, अब इनको भी परेशान करता है। आप इनके साथ घर पर रहते हैं शामिल? जी, मेरे को तो काफ़ी समय पहले ही निकाल दिया था इन लोगों ने, तो मैं खुद डर की वजह से मतलब वहाँ जाता नहीं। क्या कारण था, क्यों निकाल दिया था, क्या कारण था? बस घर पे कब्जा करने के चक्कर में, और मेरे को कुछ देना नहीं चाहते वो लोग। ये इनको इनके बड़े लड़के और बड़ी वाइफ ने घर से निकाल दिया है। क्या गाली गलौज करते हैं, उल्टी सूदी करते हैं, बाहर ढकेल देते हैं, तो फिर अपने बैठे हैं परेशान हो गए। क्यों निकाल दिया है? कि यूँ कहते हैं कि तुम हमारे हिसाब से काम करो, अब ऐसे हम नहीं तुम्हें अलग रहने देंगे, हमारे दबाव में काम करो। और कौन कौन, मतलब किस वजह से, क्या वो बता रहे हैं कुछ संपत्ति का? हाँ, संपत्ति में वो खेती करवाती हैं, खुद सारा अनाज वगैरह हड़प के बेच के अपने ले जाती हैं, ये कुछ राजू को देते होंगे और कुछ ये कर्नल छोटा वाला भाई जो है सनी कुमार रिटायर्ड कर्नल है, वो अपने और पैसे के दबाव में पुलिस को उनको अपने दबाव में रखता है और पुलिस से मनमानी काम करवाता है। और अभी भी दो दिन पहले पुलिस को साथ लेके खेती पे घुमाने गया, यहाँ भी लाया कि कोई भी मेरे। अगली खबर आगरा से है, जहां पर बस लूट का मामला फर्जी निकला है। पुलिस ने चार लोगों को इस पूरे मामले में हिरासत में लिया है। पुलिस ने बस को बरामद किया है, रुपए के लेन देन में बस सवार बस ले गए थे। ये मामला थाना खंदौली के एक्सप्रेस वे का बताया जा रहा है। प्रातः 5 बजे के आसपास कंट्रोल को सूचना मिली, खंदौली टोल के पास एक बस के साथ लूटपाट की घटना हुई है। तत्काल वहाँ पे मौके पे पुलिस पहुँची, इस पूरे मामले की छानबीन की। इसमें जो बस के साथ जो घटना घटी थी वो बस बरामद हो गई, उसमें जो यात्री थे वो भी सकुशल हैं। जिन्होंने ये लूटपाट की घटना कारित की थी उसको भी पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है। अगली खबर रायबरेली से है, जहां पर जोरावर खेड़ा मजरे रानी खेड़ा में घर के बाहर खेलने निकले 7 साल के बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बालक के माता पिता और परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अनुज परिवार के साथ घर पर बैठा था, जो घर से बाहर खेलने के लिए निकला था, जिसके बाद से वो लापता बताया गया। वहीं देवा के बेटे अनुज को खोजने की काफी कोशिश की गई। वहीं करंट लगने से बालक की मौत की आशंका भी इस वक्त जताई जा रही है। फिलहाल शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वही संभल में बंद बोरे में एक अज्ञात महिला का निवस्त्र शव मिला है। आपको बता दें कि शव पर चोट के निशान मिले हैं। महिला की हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका जताई गई है। अलबत्ता पुलिस शव को मोर्चरी भेजकर उसकी पहचान की कोशिश कर रही है। एएसपी आलोक कुमार जायसवाल ने शव मिलने की पुष्टि की। ये जनपद संभल में संभल गवा मार्ग पे
लगता हुआ गांव है मूसापुर, मूसापुर की तरफ जो रास्ता गया है उसी के थोड़ी दूर आगे जाके एक बोरी में एक महिला की डेड बॉडी मिली थी आज सुबह, जिसकी पहचान नहीं हो पाई है। उसको आवश्यक कार्रवाई करके मोर्चरी भेज दिया गया है, पहचान के लिए प्रयास किया जा रहा है, जो भी बात निकल के आएगी। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ बाल पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।